नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचना। नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। सीनियर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने कहा है कि पार्लियामेंट थिएटर बन गई है, यहां लोग देश को दिशा देने नहीं बल्कि चुनाव जीतने आते हैं। वे जेएनयू विवाद पर बोले कि यूनिवर्सिटी में पुलिस की एंट्री नहीं होना चाहिए, यदि वहां पुलिस जाएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। भोपाल में एयर इंडिया की मॉर्निंग फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण सोमवार सुबह करीब 1.5 घंटे की देरी से दिल्ली रवाना हो सकी। इस फ्लाइट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली जाना था, देरी के कारण उन्होंने नाराजगी जताई। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं 1 मार्च से होंगी। मंगलवार को 12वीं का हिंदी का पेपर होगा, वहीं 10वीं के पेपर 2 मार्च से शुरू होंगे। परीक्षाएं सुबह 8:30 से 11:30 तक होंगी। परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले छात्रों को प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा और 5 मिनट पहले उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी। नकल रोकने के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं जो केंद्रों पर जाकर चेकिंग करेंगे। इंदौर में यह है वानर सेना, जिनका काम ही खुले में शौच जाने वालों को शर्मिंदा करना है। सुबह 5 बजे उठकर वानर सेना पहुंच जाती है मैदान में। खुले में शौच जाने वालों को वानर सेना पहले समझाइश देती है, नहीं मानने पर सीटी बजा बजा कर शर्मिंदा कर देती है। ग्वालियर में जौरा विधायक सुबेदार सिंह की पत्नी सियाबाई ने धोखाधड़ी करके एक सोसाइटी से जुड़े सैकड़ों किसानों के क्रेडिट कार्ड के 97 लाख रुपए का गबन कर लिया। इस मामले में पुलिस में भी मामला दर्ज हो गया है, वहीं विधायक ने इस मामले को झूठा बताया है। उज्जैन में लाल पुल के नीचे शनिवार सुबह ग्रेनेड बम की खबर मिलते ही सनसनी फैल गई। वहां घूम रहे आरक्षक ने उसे देखते ही अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर ताबड़तोड़ बम निरोधक दस्ते के साथ अनेक अधिकारी भी पहुंच गए। इस तत्परता ने स्थिहस्त की सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण भी करा दिया। जांच की तो ग्रेनेड जैसी दिखने वाली वस्तु ब्लड प्रेशर मशीन का बल्ब निकला। भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में 1993 से 2003 के बीच फर्जी अपॉइंटमेंट के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जमानत कराने कोर्ट पहुंचे। 30,000 रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई। इस बीच उनके बंगले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंच गए थे। कोर्ट से जमानत पर छूटने के बाद दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार को खूब कोसा। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल में रविवार से शिव नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हुई। पुजारियों ने भगवान को केसर युक्त चंदन और हल्दी लगाकर दूल्हा बनाया। शाम को भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। ग्वालियर भिंड इटावा रेल लाइन पर सवारी ट्रेन के उद्घाटन के लिए रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ विमान से भिंड जाना था, लेकिन रेल राज्य मंत्री ने विमान से जाने से सिर्फ इस कारण इनकार कर दिया था कि वो रेल मंत्री हैं। रेल राज्य मंत्री स्पेशल ट्रेन से भिड़ गए। स्पेशल ट्रेन के संचालन में सिर्फ डीजल पर करीब 29,000 रुपए का खर्च आया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर emstv की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।